हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के देसी स्टाइल रेसिपी में स्वागत है। और मैं आज आप लोग के लिए और एक नया रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैं बनाने वाली भी हूँ आज खिचड़ी। तो चलिए आज हम खिचड़ी बनाते हैं। तो खिचड़ी बनाने के लिए हमें एक तपेला में सबसे पहले पानी चढ़ाना है। तो पानी में गैस पर चढ़ा दी हूँ, गैस को ऑन कर ले रही हूँ। पानी को मैं उबलने दूँगी 15 मिनट तक। जब मेरा पानी 15 मिनट में उबल आ जाए तो मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। तब तक के लिए मैं इसको ढक देती हूँ 15 मिनट के लिए। तो जब तक इसमें पानी उबलेगा तब तक मैं इस खिचड़ी के लिए सब्जी फ्राई कर लेती हूँ। तो सब्जी में इसमें डाल ली हूँ पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, सारे मैं इसमें ऐड कर ली हूँ। उसके लिए मैं कढ़ाई चढ़ाई हूँ, कढ़ाई गरम होने देते हैं। कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, अब मैं इसमें तेल ऐड करूँगी। अब मैं इसमें एक तेजपत्ता सरसों ऐड करूंगी। अब मैं सारे सब्जी को डाल दूंगी। अब मैं इसमें 2 कटी हुई आलू ऐड करूंगी। अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि मेरी पत्ता गोभी में जितना भी पानी है सब पानी आ जाए। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ढक दी हूँ ताकि जितना भी पानी पत्ता गोभी में सब निकल जाए। खिचड़ी के लिए मैं 250 ग्राम दाल बना ली हूँ। दाल को उबल के रखी हूँ मैं। मेरा पानी उबल गया है और अब मैं इसमें चावल डालूंगी 250 ग्राम। अब मैं चावल को 1 घंटा के लिए पकने दूंगी। तब तक मैं इधर सब्जी फ्राई कर रही हूँ।
दो कटी हुई टमाटर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, धनिया, जीरा, गलकी, लहसुन का पेस्ट, अब मैं इसको 15 मिनट तक फ्राई करूंगी। अब मैं चावल में थोड़ा सा हल्दी ऐड करूंगी, 1 चम्मच। स्वाद अनुसार नमक, अब 1 घंटा तक हम इसको पकने देंगे चावल को। दाल तो मैं पहले ही उबाल के रख ली हूँ। ऐसे ही 15 मिनट तक चलाऊंगी। मेरा 15 मिनट फ्राई हो गया है और अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूंगी। मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दी हूँ। और इसको 10 मिनट के लिए ढक दूंगी। 10 मिनट हो चुका है मेरा और अब मैं उठाऊंगी। देखिए मेरा सब्जी बन के रेडी है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी।
मेरा सब्जी रेडी हो गया है। अब मैं देखती हूँ चावल को। चावल मेरा एक घंटा हो चुका है। अब मैं देखती हूँ चावल मेरा पक चुका है और अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी, मूंग दाल। इसमें मैं मूंग दाल ऐड करती हूँ। अब मैं इसमें सब्जी ऐड करूंगी। मैंने सारा सब्जी ऐड कर दी हूँ। अब मैं 5 मिनट तक वो बनने दूंगी। अब मैं खिचड़ी को छोंकने के लिए तेल गरम करूंगी थोड़ा सा। और इसमें सूखा मिर्च ऐड करूंगी। हो गया मेरा सूखा मिर्चा, सब कलर आ गया है। अब मैं तेल को गरम हो गया मेरा, अब बंद कर दूंगी गैस को। खिचड़ी बन के मेरा रेडी है। अब मैं उतार दूंगी गैस से खिचड़ी को, गैस बंद कर दूंगी। अब मैं खिचड़ी में धनिया पत्ता डालूंगी कटी हुई। तेल से छोंक दूंगी। तो मेरा खिचड़ी रेडी है। इसी तरह आप भी बनाइए खिचड़ी। अगर आपको मेरा ये खिचड़ी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ ट्राई करिए। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप लोग तक पहुँचे और भी न्यू वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।